प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 23 नवंबर को पीएम मोदी मथुरा के वृंदावन आ रहे हैं। इससे पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा है, संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। यहां पीएम मोदी वृंदावन में ब्रजराज उत्सव में शामिल होंगी। इसके चलते प्रदूषण को कम करने के लिए धूल कंप्रेसर चलाए गए, दीवारों पर पेंटिंग की गई और रंगीन रोशनी से पूरे शहर को सजाया गया है। मथुरा के नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने कहा कि हम शहर में विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। AQI को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही शहर को रोशन भी किया जा रहा है। पूरे शहर में हम लोगों ने विशेष सफाई अभियान चलाया। माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सबके द्वारा इसमें विशेष सफाई अभियान पूरे शहर में हम वृहद रूप से चला रहे हैं। उसमें अलग अलग वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग और सुदृढ़ कर रहे हैं। प्लस जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उस पर वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं लाइट्स के माध्यम से, सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उस पर भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर मशीनों के माध्यम से साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया। रोड स्वीपिंग मशीन्स, हमारे स्प्रिंकलर्स, ये सब लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी पूरे कमिटमेंट के साथ इस विजिट के लिए, प्लस और जनपद वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, उसमें जैसा हम लोग रेगुलर सेवाएं देते हैं उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नगर निगम के ऑफिस के जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल के नंबर्स हैं वो भी सब लोगों को हम लोगों ने उसमें पब्लिक किया हुआ है। उसमें भी कई शिकायतें मिलती हैं तो हम उसका तत्काल निस्तारण कराते हैं। प्लस पूरे परिक्रमा मार्ग पे साफ सफाई और कहीं कोई अगर छोट मोट टूट फूट है और उसको मरम्मत कार्य वो हम लोगों ने कराया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यमदूतिया का कार्यक्रम कराया था जो बहुत ही सफलतापूर्वक नगर निगम के माध्यम से कराया गया था। आने वाले 23 तारीख के पर्व को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कराने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। देखिए, जो नगर निगम की ओर से हर साल व्यवस्था की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस साल क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है तो उसको देखते हुए हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा वो करेंगे, लेकिन जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा को इसमें किसी भी प्रकार का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बता दें कि रेलवे मैदान पर 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है।